everyone. Today we are going to learn about conditionals. Conditional sentences को आज हम discuss करेंगे, उसका overview और आप कहते हैं इसका introduction दिया जाएगा. इसके बाद के जो lectures होंगे, इसकी एक playlist होगी conditionals के ऊपर. उसके अंदर complete first order, zero order या फिर आप कहते हैं third या second conditional sentences होते हैं, उनको हम discuss करेंगे detail के साथ. तो आज सिर्फ structure की बात करते हैं. देखें, conditional sentence जो है आपके पास दो पोर्शन पे डिवाइड होता है. एक तो होता है जिसके अंदर एक कॉमा से पहले, जिसको हम कंडीशन, जिसे हम कंडीशन होती है, जो कोई सिचुएशन होती है या कोई सर्कमस्टांसेस होता है उसको बयान कर रहे होते हैं. यानी जैसे सेंटेंस बता रहा है, इफ इट रेन्स, ये कंडीशन दे रहा है, अगर बारिश हुई, आई विल यूज एन अम्ब्रेला, मैं छाते का इस्तेमाल करूंगा, और आई विल टेक एन अम्ब्रेला. टेक मुनासिब वर्ड है. आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं छाता इस्तेमाल करूंगा. क्या कह रहा है? कंडीशन क्या बता रहा है? एक सिचुएशन क्या बता रहा है? कि अगर बारिश हुई, ये कंडीशन बता रहा है. एवं उठा के बस निकल नहीं जाएगा वो कि छाता उठा के चला जाए बाहर. वो कह रहा है छाता मैं उठाऊंगा अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मैं छाता इस्तेमाल करूंगा. ये क्या कह रहा है? कंडीशनल सेंटेंसेस. इसमें इसने कंडीशन दे दी. इसके दो पोर्शन है मैंने बताया, एक कंडीशन वाला और उसके बाद एक रिजल्ट या फिर कोई कॉन्सिक्वेंसेस या इसमें फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है उसका एक पोर्शन होता है. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है. एक जिसके अंदर हम पहले इफ क्लॉज, यानी कि इफ वाला क्लॉज होता है जिसमें इफ पहले आता है फिर उसके बाद कोई कंडीशन बयान की जाती है फिर उसका रिजल्ट. तो देखते हैं, एक एग्जांपल है. इफ द शॉप इज ओपन, अगर शॉप खुली हुई, क्या कह रहा है? ये कंडीशन भी आ गई इसके अंदर इफ का, इफ वाला क्लॉज आ गया पहले. अगर शॉप खुली हुई, आई विल बाय अ शर्ट, मैं शर्ट खरीदूंगा. क्या कह रहा है? अगर शॉप खुली हुई तो मैं शर्ट खरीदूंगा. इसके दो पोर्शन है. देखें, एक कंडीशन में आ गया, इफ क्लॉज देखें पहले आया, उसके बाद आपके पास क्या नाम है, मेन क्लॉज या रिजल्ट वाला क्लॉज आया. देखिए, अगर इफ क्लॉज आपके पास पहले आ जाता है, आप पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट वाला क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कॉमा का इस्तेमाल पहले करना है. कॉमा का इस्तेमाल इफ क्लॉज के फौरन बाद करना है यहां पर, उसके बाद आपके मेन क्लॉज. अगर नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सिर्फ डिफरेंस ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, अगर आपने इफ क्लॉज यानी कंडीशन वाला क्लॉज बाद में इस्तेमाल किया तो आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे कि यहां पर रिजल्ट बता रहा है, आई विल बाय अ शर्ट, मैं शर्ट खरीदूंगा अगर शॉप खुली हुई, तो इसमें आपने देखिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ. यही फर्क है आपके पास इन दोनों स्ट्रक्चर में. मैं उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा. अगर आपके पास क्लॉज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके वहां पे क्लॉज एंड फ्रेज एंड आपने सेंटेंसेस के सेपरेट लेक्चर्स बनाए हैं, वहां पे देख के आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. कंडीशंस जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तकरीबन चार किस्म के होते हैं, जिसमें जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन हम उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जिसमें हमने फैक्ट्स और थिंग्स हमारे पास ऑलवेज ट्रू हो, यानी ट्रू कंडीशन, जिसको हम ट्रू कंडीशन इन प्रेजेंट का भी नाम देते हैं. इसमें क्या होता है कि आपके पास इफ वाला जो सेंटेंस होता है, जो कंडीशन वाला सेंटेंस भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट में होता है, और आपके पास जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट होता है. जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, इफ आई हैव इनफ टाइम, अगर मेरे पास इनफ टाइम हो तो मैं डेली इवनिंग में टीवी देखूँ. क्या हो रहा है? दोनों आपके पास प्रेजेंट में हो रहा है और ये ट्रू कंडीशन है उसके लिए. ट्रू कंडीशन इस वजह से है कि हाँ, इसके पास टाइम होता हो तो ये जरूर टीवी रोज ही देखेगा. इसके बाद फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो ये आपके पास ट्रू कंडीशन इन फ्यूचर की बात कर रहा होता है, यानी रियल पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर की. रियल पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बंदा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, इफ ही पासेस हिज एग्जाम, अगर ये पास करेगा एग्जाम हिज फादर विल बी हैप्पी, इसका वालिद बहुत ज्यादा खुश होगा, इसका वालिद साहब खुश होगा या इसका पिता खुश होगा. इसमें क्या साबित हो रहा है कि रियल ट्रू कंडीशन है, ये पास करेगा एग्जाम तो ये भी, इसका वालिद या इसका प्रेजेंट, इसका फादर जरूर खुश होगा. रियलिटी है. अगर ऐसे भी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, एक शख्स उसका टेस्ट भी पास करे या एग्जाम भी पास करे उसका वालिद खुश ना हो. क्या है? ट्रू कंडीशन है. अगर पास करेगा तो लाजमी इसका वालिद या पिता खुश होगा. एक और कंडीशन देखते हैं जिसको सेकंड कंडीशन कहते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट इन द फ्यूचर. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास इफ क्लॉज यानी कि जिसमें कंडीशन वाला क्लॉज होता है वो आपके पास पास में होता है सिंपल, उसके बाद आपके जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है उसके अंदर आपने सिंपल वुड का इस्तेमाल करते हैं. हिंदी उर्दू में ऐसे शब्द होते हैं जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी विन करूँगा, ये कंडीशन बता रहा है. इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी विन की, अभी उसने विन नहीं करी, ये ट्रू पॉसिबिलिटी भी नहीं है. जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कंडीशन में ट्रू पॉसिबिलिटी थी कि वो पास होगा,
तो उसका बाप खुश हो जाएगा। पर यहाँ पे ट्रू पॉसिबिलिटी नहीं, विन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अगर कह रहा है अगर वन कर ली आई वुड बाय अ हाउस, मैं घर लाजमी खरीदूंगा, आई विल बाय हाउस, मैं घर खरीदूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर आपने वुड का इस्तेमाल किया विल की जगह पे और पास्ट सिंपल का इस्तेमाल आपने यहाँ पे किया। इनको हम सेकंड फर्स्ट और थर्ड कंडीशंस जो है इनका हम सेपरेट एक एक लेक्चर भी अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने बनाया हुए, इनको खाली अपलोड करना है। तो जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का हम अपलोड करेंगे, उसमें आपका मजीद क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि फर्स्ट जीरो और थर्ड कंडीशन का क्या मकसद है और कैसे। और यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं और ये टाइप्स कौन कौन सी होती है हम वो उसका ओवरव्यू दे रहे हैं। थर्ड कंडीशन वो इवेंट जो कि अनट्रू हो, फ्यूचर के लिए अनट्रू हो, उनके लिए हम ट्रू कंडीशंस, उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम थर्ड कंडीशन देते हैं। तो अनट्रू इस वजह से कह रहे हैं ऐसी बात जो पास्ट में हमने पास्ट में हुई ना हो, यानी कोई चीज़ हमने पास्ट में हुई ना हो, यानी हमने फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर प्रेजेंट में एक बार, जैसे यहाँ पर आपने प्रेजेंट में आप कह रहे हैं कि मैं वन करूँगा लॉटरी तो मैं फ्यूचर में घर खरीदूंगा। अब कुछ दिन गुजर गए, आपका वो फ्यूचर वाला टाइम भी गुजर गया, अब पास्ट हो गया, अब आप यहाँ खड़े हैं। आपने पहले यहाँ बात की थी लॉटरी विन करूंगा तो मैं घर खरीदूंगा, अब ये वाला जो घर खरीदने वाला लॉटरी निकली आपने वन नहीं करी और ये विन नहीं करी, ये टाइम गुजर गया, अब यहाँ पे आप खड़े हैं। यानी जो यहाँ पे खड़े हैं मतलब ये वाला पोर्शन, आप यहाँ पे खड़े हैं, अब ये आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी ये जो आपने बात करी थी सेकंड कंडीशन में वो आपके लिए पास्ट हो गई, यानी अब वो हुई भी नहीं, यानी वो काम हुआ ही नहीं। तो इस तरह की कंडीशन को हम थर्ड कंडीशन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, देखें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, यहाँ पे इफ का सेंटेंस इफ यूज होगा, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी विन करता, पास्ट की बात हो रही है, इफ अगर मैं लॉटरी विन करता आई वुड हैव बॉट द हाउस, मैं घर खरीदता, ये पास्ट की बात हो रही है, अगर मैं लॉटरी विन करता तो मैं घर खरीदता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और जीरो कंडीशन किस तरह की होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं। तो इनको हम डिटेल्ड में डिस्कस भी करेंगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से, आपको जो मेरा मकसद था वो पहुँच चुका होगा। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में आता है, कोई सवाल माइंड में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको आंसर भी दे दिया जाएगा। मैं बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।